गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हो। अब बज चुके हैं सुबह के 10 बजे। मैं जाती हूँ रोज जिम, तो जिम जाने के लिए मैं हो रखी हूँ रेडी। सो अभी चलते जिम, चलो अभी ते जिम में हो रखी हूँ रेडी, तो चलेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पानी की बॉटल और फेस साफ करने के लिए टॉवल। सो चलो चलते जिम, दिखाऊँगी आपको बहुत सारे जिम वर्कआउट। तो डेली और डेली मैं अलग अलग वीडियोस डालती हूँ, रेसिपीज डालती हूँ। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और दोस्तों में। सो गाइस चलो चलते हैं जिम, दिखाती हूँ आपको वीडियो में आगे कैसे कैसे कर रहे हैं हम जिम वर्कआउट। एंजॉय दिस वीडियो। गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे और ये है पीछे जिम, तो चलेंगे जिम पे। सोसाइटी में ही है जिम, नीचे उतर के सामने ये जिम। तो अभी चलते और करते जिम वर्कआउट और दिखाते आपको वीडियो में क्या क्या हम करने वाले जिम वर्कआउट। सो चलो फाइनली यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ जिम में, तो चलते हैं अंदर करते हैं जिम वर्कआउट। जिम में आती मैंने वर्कआउट स्टार्ट करूँगी। अभी यहाँ पे मैं करूँगी साइकिलिंग, तो साइकिलिंग कम से कम 10-15 मिनट के लिए करूँगी मैं। तो चलो करते हैं साइकिलिंग, उसके बाद करेंगे दूसरी वर्कआउट। तो चलो पहले करेंगे साइकिलिंग। यहाँ पे मैंने बहुत सारा वर्कआउट कर लिया लेकिन शूट नहीं कर पाई, तो कल जाऊँगी तो मैं शूट कर लूँगी। तो अभी मेरा यहाँ पे वर्कआउट हो रखा है कंप्लीट, तो अभी चलते हैं घर पे। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी मैं जो भी मैं वर्कआउट करूँगी वो। अभी मैं शूट करना भूल ही गई थी, तो मैंने जितना भी शूट किया था उतना ही मैंने कर लिया है। अभी चलते घर पर, मिलते आपको कुछ टाइम में। जिम से आने के बाद मैंने खाना खुना खा के मैं सो गई थी, तो कोई शूट नहीं लिया था। तो अभी बज चुके शाम के 5:30 बजे का ये व्यू है। मैं सो के उठ चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने सोचा कुछ स्नैक्स में बनाते हैं। तो अभी आपके साथ करूँगी स्नैक्स रेसिपी। अपना न्यू ब्लॉग शुरू हो रखा है, इजी और सिंपल है, आपको बहुत पसंद आएगी। 5:30 बजे का व्यू है, आपको दिखाने वाली हूँ साबूदाना का एक रेसिपी। अभी शूट साबूदाना बड़ा रेसिपी, तो देखिए कैसा बना है, वीडियो अच्छा लग रहा है। कल बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, फैमिली और दोस्तों में एंजॉय कर लीजिए। तो देखो ये क्रिस्पी और टेस्टी बहुत अच्छे लगते हैं साबूदाना वड़ा, ये स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है। ये हेवी भी बहुत होते हैं, तो चलो अभी बनाते और दिखाते हैं वीडियो में आपको कैसे बनाए मैंने साबूदाना वड़ा रेसिपी, क्या क्या लगेगा इसके लिए। एंजॉय दिस वीडियो। Thank you.
यहाँ पे हमने साबूदाने के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, ये बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से साबूदाना वड़ा फ्राई कर लिया है, तो अभी मैं इसको सर्व करती हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर कीजिए, आप भी खाइए और अपने फैमिली और दोस्तों को भी बना के खिलाइए। तो चलो गाइस चलते हैं, अभी मैं करती हूँ इसको एंजॉय, मिलते हैं आपको कुछ टाइम में। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको पता ही करना है एक लाइक। गाइस अब बज चुके रात के 8 और 8 बजे मैं आई हूँ अपने बालकनी में। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है। मैंने अभी साबूदाना वड़ा बना लिया था, खा भी लिया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अभी मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय गाइस, गुड नाइट।